हेलो गाइस, मैं क्यूबिंग गुरु और इस वीडियो में करने वाला रिव्यू न्यू एक्सन लिटिल मैजिक एम 3x3 क्यूब का। GMS रिलीज होते ही बजट क्यूब में छा गया। उसके बाद रिलीज हुआ RS10 2020, वो भी मार्केट में छा गया। उसके परफॉर्मेंस की वजह से बहुत सारे क्यूबर्स का मेन है। उसके बाद मेलॉग ने भी अपना मैग्नेटिक क्यूब रिलीज़ किया, वो भी बहुत सस्ते प्राइस में, और इसीलिए ये भी हिट हो गया। और इसके बाद यूक्सी ने सोचा कि क्यों ना हम भी लिटिल मैजिक का मैग्नेटिक वर्जन रिलीज कर दीजिए थोड़े से माइनस चेंजेस के साथ। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि ये क्यूब बजट क्यूब में टिक पाएगा कि नहीं, और ये वीडियो एंड तक देखना। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की। तो इसकी प्राइस है लगभग 549 रुपीज़, लेकिन मेरा कोड गुरु यूज़ करके आपको 50 रुपीज़ डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका वेट है 78 ग्राम एंड इसकी साइज़ जो है 55.5 mm, जो कि स्टैंडर्ड साइज है हर एक क्यूब की। ये क्यूब आता है ग्लॉसी लुक के साथ, जो कि बढ़िया है क्योंकि आजकल सभी जो क्यूब है फ्रॉस्टेड लुक के साथ आते हैं। तो इसके शेड कंपेयर किए मैंने RSCM 2020 के साथ, तो लगभग मुझे सभी सेम ही शेड दिखाई दिए, लेकिन RSCM में थोड़े डार्क शेड थे जो मुझे अच्छे लगे। ग्लॉसी लुक होने की वजह से उस पर थोड़े स्क्रैचेस जल्दी आ जाते हैं यूक्सन लिटिल मैजिक पे। तो ओवरऑल मुझे शेड RSCM 2020 के अच्छे लगे। अब बात करते हैं इसके इंटरनल डिज़ाइन की। तो मैंने एजेस और जो कॉर्नर्स है वो खोल के देख लिए, तो मुझे ज़्यादा कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया। जो कि पुराना यूक्सन लिटिल मैजिक था वैसा ही डिज़ाइन सेम कॉपी किया गया है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है अगर हम बात करें कॉर्नर्स और एजेस की। लेकिन अगर बात करें हम सेंटर पीस की, तो सेंटर पीस जो है प्राइमरी प्लास्टिक का बनाया गया है, जिसकी वजह से क्यूब का फील काफ़ी चेंज हो जाता है, जो कि मुझे अच्छा लगा। इसी वजह से क्यूब काफ़ी डिफरेंट परफॉर्म करेगा पिछले यूक्सन लिटिल मैजिक से। स्पीड की बात करते हैं, क्यूब काफ़ी फास्ट है, पिछले यूक्सन मैजिक से काफ़ी डिफरेंट फील है इसका। मुझे लगता है ये जो प्राइमरी प्लास्टिक है सेंटर पीस में उसी की वजह से होगा, तो मुझे फील अच्छा लगा इस क्यूब का। बात करें कॉर्नर कटिंग की, तो क्यूब कॉर्नर कट कर लेता है 15 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री भी इजीली कट कर लेता है फॉरवर्ड की बात करें तो। लेकिन इसकी कॉर्नर कटिंग थोड़ी स्नैपी है। रिवर्स में भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से कॉर्नर कट कर लेता है 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, लेकिन इसकी कॉर्नर कटिंग स्नैपी है, जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी। ओवरऑल इसकी कॉर्नर कटिंग थोड़ी एवरेज लगी मुझे, इतनी भी अच्छी नहीं लगी। तो अब बात करते हैं मैग्नेट स्ट्रेंथ की। तो इसमें जो मैग्नेट्स है 4x1 या फिर 4x1.5, जो कि इस क्यूब के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि इस क्यूब का प्लास्टिक थोड़ा पतला है। जो मेरे पास जो पिछले वाला यूक्सन लिटिल मैजिक था उसमें मैंने 4x2 डाला था, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे। तो उस हिसाब से इस क्यूब के लिए ये मैग्नेट एकदम सही है, बहुत ही स्टेबल रहता है मैग्नेट की वजह से ये क्यूब, जो कि मुझे अच्छी बात लगी। तो अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो जब मैंने पहले इसको अनबॉक्स किया तब ये क्यूब काफ़ी टाइट था, फिर मैंने इसको लूज़ किया, तो जब टाइट था तो बहुत स्लो था, और जब मैंने लूज़ किया तो एक क्यूब पॉप होने लगा, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। मैंने लाइव में भी बहुत बार सॉल्व किया और बहुत बार पॉप भी हुआ लाइव में, आप देख सकते हैं मेरे सीजीज लाइव जो है चैनल, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कितनी बार मेरा क्यूब जो है पॉप हुआ था। तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा इस क्यूब में, शायद से ये क्यूब मेरे टर्निंग स्टाइल के लिए नहीं है। तो मैंने इस पर बहुत सारे सॉल्व किए और मुझे सेटिस्फैक्ट्री एवरेज इस पर नहीं मिला, और इसका रीज़न है कि शायद से ये मेरे टर्निंग स्टाइल के लिए नहीं है। जो पुराना वाला यूक्सन लिटिल मैजिक था वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा था, उसको मैंने मैग्नेटाइज किया फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगा, और उसके बाद मैंने इसको ट्रेड कर दिया वॉल के साथ। तो शायद से ये क्यूब मेरी टर्निंग स्टाइल के लिए नहीं है, लेकिन अगर आपको पुराना वाला यूक्सन लिटिल मैजिक अच्छा लगा है तो ये क्यूब आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप इसको ठीक से सेटअप नहीं कर पाए तो ये पॉप हो सकता है। यूक्सन लिटिल मैजिक स्टार्ट में पॉप होता था पुराना वाला भी, बाद में वो ठीक हो गया ब्रेक इन होने के बाद, शायद से इसमें भी यही प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे ये इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि इस बजट में 550 रुपये में मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं मेलॉग सजेस्ट करूँगा। और अगर आप थोड़ा बजट बढ़ा सकते हैं तो MS और RSCM 2020 भी सजेस्ट कर सकता हूँ, और इसके कंपैरिजन का मैं और एक वीडियो बनाऊँगा, ये चारों क्यूब को मैं कंपेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आपका कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे, मैं उस हिसाब से अपने चैनल में इम्प्रूवमेंट ज़रूर करूँगा। और क्यूबलेस से कुछ भी खरीदने से पहले आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं या फिर मेरी लिंक यूज़ कर सकते हैं, जिससे मुझे थोड़ा कमीशन मिलेगा और उस पैसे से मैं और रिव्यू कर सकता हूँ। तो ये बात ध्यान में रखना।